गुजरात में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां साबरमती नदी से महसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन में सफर किया और रोड शो निकाला, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। आइए जानते हैं कि आखिर राहुल ने पीएम मोदी पर कौन से वो पांच बड़े प्रहार किए हैं। नंबर एक, नोटबंदी और जीएसटी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी और जीएसटी के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देते हुए राहुल ने कहा कि इससे 50% व्यापारियों के पैसे को गायब कर दिया गया है। नंबर दो, भ्रष्टाचार पर मोदी चुप क्यों। राहुल ने एक बार फिर से करप्शन के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पीएम पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात करते थे, लेकिन जय शाह और राफेल डील मामले पर वो पूरी तरह से चुप हैं। राहुल के मुताबिक इसी तरह का मूड मोदी, बीजेपी और रूपाणी का भी है। नंबर तीन, विकास के मुद्दे पर हमला। राहुल ने कहा कि मोदी एक ओर जहां कंपनियों को सस्ता कर्ज देते हैं, वहीं बिजली मंगवाने के लिए किसानों को सिर्फ रात को ही बिजली देते हैं। राहुल के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम का फोकस 10 लोगों पर है। उन्होंने गुजरात के दुकानदार व्यापारियों को कुछ सपोर्ट नहीं किया। टाटा नैनो फैक्ट्री को 33,000 करोड़ रुपए दिया गया, एक गाड़ी भी नहीं दिखाई दी। बिजली पानी सब फ्री दिया गया, पर जनता को कुछ नहीं दिया गया। नंबर चार, पाकिस्तान और मणिशंकर के मुद्दे पर पलटवार। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ भी कहा उसे मैंने बर्दाश्त नहीं किया और अय्यर को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने जो कुछ भी मनमोहन सिंह के बारे में कहा वो स्वीकार नहीं है। मनमोहन सिंह भी पीएम रहे हैं। नंबर पाँच, मोदी के वादों का क्या हुआ। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपए माफ किए। हमारा रिकॉर्ड है, हम हवा में नहीं बोल रहे, लेकिन मोदी जी ने लंबे वादे किए। खाते में 15 लाख देने का वादा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेक इन इंडिया की सच्चाई सबके सामने है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।